नमस्कार दोस्तों, आप सबका एक बार फिर स्वागत करते हैं। दोस्तों, आज की वीडियोस में हम बात करने वाले हैं जो आरबीडी पब्लिकेशन के द्वारा राजस्थान करंट जीके के रूप में जो पब्लिश होती है वार्षिकांक के रूप में, तो उसका डिस्कस हम करेंगे इस पार्ट में। हालांकि इससे पहले मैंने पार्ट नंबर फर्स्ट और सेकेंड ऑलरेडी अपलोड कर दिए हैं, आप लोग वो भी ज़रा देखें। साथ ही यहाँ पर अब जो हम बात करेंगे वो राजस्थान के अंदर जो भी करंट जीके जो कि अपने पर्यावरण अध्ययन या फिर आप कह सकते हो वातावरण या फिर आप कह सकते हो पर्यावरण विशेषांक से जितने भी करंट जीके के क्वेश्चन यहाँ पे हैं, उस चाहे उसकी इंडेक्स हो चाहे उससे संबंधित किसी भी प्रकार की जानकारी करंट रूप में हो, वो समझ जानकारी मैं आपको इस वीडियो में प्रोवाइड करूँगा। आपको बता दूँ इससे पहले वार्षिकांक मुमल जो है 2022-23 वो भी मैंने कम्प्लीट अपलोड कर दिया है, आप चाहें तो उसको भी देख सकते हैं। करंट जीके के लिहाज से राजस्थान की जो भी भर्तियां हैं, चाहे वो आरपीएससी की हो या फिर राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड की हो या फिर हाई कोर्ट की एलडीसी भर्ती हो, समस्त में आपके करंट जीके के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और बेसिकली यहां से 8 से 12 क्वेश्चन आपको डायरेक्टली देखने को मिलेंगे, जो कि आप अभी लेटेस्ट में आप देख रहे हैं आरपीएससी के द्वारा फर्स्ट ग्रेड सेकेंड ग्रेड रीट भर्ती, ये सभी भर्तियाँ और सबसे बड़ी आरपीएससी की ईओ आरओ भर्ती जो है और आगामी जो आरएस भर्ती है, तमाम सभी भर्तियों में यहाँ से क्वेश्चन आपको करंट रूम में देखने को मिलेंगे। तो चलिए आज के इस टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए सबसे पहले हम बात करेंगे जो आज के हम कंटेंट कंप्लीट कर चुके हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे जो पार्ट नंबर सेकंड में मैंने आपसे डिस्कस किया था, पहला कंटेंट अब हम कंप्लीट कर चुके हैं जो कि राजस्थान के उत्कृष्टता केंद्र के आधार पर था। नेक्स्ट हमारे पास में राजस्थान में कौन कौन से अभियान हाल ही में चर्चा में है, उसके बाद राजस्थान में प्रथम गाँव भी हमने कर लिए थे, जयपुर से संबंधित जो भी तथ्य थे एक वीडियो में हमने कंप्लीट कर लिए थे, साथ ही जोधपुर से संबंधित जो भी एक तथ्य के रूप में जो करंट जेके के क्वेश्चन थे समस्त कर लिए, जयपुर जोधपुर से संबंधित कर ली, पोर्टल के बारे में और प्रमुख नीतियाँ, ये समस्त जानकारी मैंने पार्ट नंबर सेकंड तक आपको दे दी है। आज के पार्ट में जो हम बात करेंगे वो सिर्फ बात करेंगे राजस्थान के अंदर जो भी पर्यावरण विशेषांक से संबंधित जो भी करंट जीके के क्वेश्चन हैं 2022 तक के, यानी कि सितंबर 2022 तक की कंप्लीट जो मैगजीन्स हैं वार्षिकांक, मैं आपको इसी चैनल पे अवेलेबल करवा दूंगा, आपको किसी भी अन्य चैनल पे विजिट करने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए आगे बढ़ते हुए हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले पॉइंट से। सबसे पहले आप स्क्रीन पे देख पा रहे हैं पर्यावरण विशेषांक में हम स्टार्ट कर रहे हैं विश्व जल दिवस राजस्थान के अंदर, या फिर विश्व की बात करें या फिर भारत की बात करें तो हमारे विश्व जल दिवस जो है 22 मार्च को मनाया जाता है, ध्यान रहे। उसके बाद में पृथ्वी दिवस यानी कि विश्व पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस की बात करें 22 मई को मनाया जाता है। विश्व पर्यावरण दिवस की बात करें 5 जून को मनाया जाता है। इसी प्रकार से ओजोन परत संरक्षण दिवस की बात करें तो वो आपका 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये कुछ दिवस थे जिनकी डेट आपको कंठस्थ माइंड में होनी चाहिए। आगे बढ़ते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट पे, तो हमारे पास में नेक्स्ट पॉइंट है संविधान के भाग फोर्थ के ए भाग में लिखा हुआ है अनुच्छेद 51A में, प्रत्येक नागरिक का यह दायित्व है कि वह वनों झीलों नदियों और वन्य जीवों के पर्यावरण संबंधित उनकी रक्षा करे, साथ ही उनके जो संरक्षण हेतु प्रति दायित्व यहाँ पे अपना निभाए। तो ये हमारे पास में राजस्थान भारत के संविधान के अनुच्छेद आप देख सकते हैं भाग 4A में दे रखा है जो कि अनुच्छेद 51A में है। नेक्स्ट हमारे पास में जो पॉइंट है यहाँ पे तीसरे पॉइंट पे हम चलते हैं, यहाँ पे राजस्थान इको टूरिज्म पॉलिसी की बात करें तो ये राजस्थान के अंदर 2021 से शुरू कर दी गई है। साथ ही हम बात करें इसके बारे में 15 जुलाई 2021 को एग्जैक्ट डेट को ये पब्लिश की गई थी, यानी कि उद्घाटन इसका किया गया था राजस्थान में। मुख्य उद्देश्य की बात करें तो स्थानीय पर्यटन को बढ़ावा, साथ ही रोजगार अभिवृद्धि आदि इसके उद्देश्य रहेंगे। नेक्स्ट चौथे पॉइंट की बात करें, राजस्थान राज्य जैव विविधता बोर्ड की हम बात करें 14 सितंबर 2010 को इसका गठन किया गया था। जैव विविधता एक्ट की बात करें ये 2002 में इसका गठन किया गया था। साथ ही यहाँ पे राजस्थान जैव विविधता नियम की बात करें 2010 में शुरू किया गया था, यानी कि लागू की गई थी। पाँचवें पॉइंट की बात करें तो राज्य में प्रथम पर्यटन नीति 2001 से लागू की गई। राजीव गांधी पर्यटन विकास मिशन की बात करें 2001 से शुरू किया गया। इसी प्रकार से नई राजस्थान पर्यटन नीति अभी हाल ही में 2020 जो है वो शुरू की गई, तो ये भी आप याद रखें राजस्थान में हाल ही में पर्यटन नीति की बात करें 2020 यहाँ पे शुरू कर दी गई है, लागू कर दी गई है। आगे हम बात करते हैं उन केंद्रों की जो काफ़ी प्रकार के मुद्दे में यहाँ पे यानी इश्यूज़ में रहते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे राजस्थान के वानिकी एवं वन्य जीव प्रशिक्षण संस्थान जो है वो आपका जयपुर में स्थित है, ध्यान रहे राजस्थान के अंदर वानिकी और वन्य जीव जो प्रशिक्षण संस्थान है वो जयपुर में है। मरु वन प्रशिक्षण केंद्र की बात करें ये जोधपुर में है।
वन प्रशिक्षण केंद्र की बात करें अलवर में है, वन्य जीव प्रबंधन एवं रेगिस्तान परितंत्र प्रशिक्षण केंद्र ताल छापर जो कि चूरू में है। उसके बाद सेंटर फॉर द कंजर्वेशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एंड क्लाइमेट चेंजेस की बात करें ये जयपुर में स्थित है। सतत परिवेश वायु गुणवत्ता केंद्र जो है हाल ही में 9 है, जिसमें से जयपुर में टोटल 3 सेंटर यानी 3 केंद्र बनाए गए हैं। उसके बाद में जोधपुर, अजमेर, पाली, उदयपुर, अलवर, भिवाड़ी इनवी के अंदर भी यहाँ पे हाल ही में सतत परिवेश की वायु गुणवत्ता के केंद्र यहाँ पे स्थापित किए गए हैं, राजस्थान की हम बात कर रहे हैं। आगे हम बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, जो कि आप देख पा रहे हैं पर्यावरण संरक्षण के लिए जो आंदोलन चलाए गए थे विभिन्न प्रकार के, तो उन आंदोलन की हम बात करते हैं। सबसे पहले पर्यावरण से संबंधित पहला आंदोलन जो रहा वो चिपको आंदोलन रहा। आपको बता दूं चिपको आंदोलन राजस्थान सॉरी जो उत्तराखंड स्टेट है यानी कि उत्तराखंड जो राज्य है वहाँ से शुरू किया गया, और वहाँ से उसके प्रेरणाता की बात करें तो ये जो सुंदरलाल बहुगुणा है साथ ही चंडी प्रसाद भट्ट जो है इनके द्वारा 1974 में इसकी शुरुआत की गई। मुख्य उद्देश्य जो रहा वो वनों की कटाई का विरोध इन्होंने किया, ये इसका उद्देश्य रहा। अगर बात करें नोट की तो 31वां इंदिरा गांधी राष्ट्रीय एकता पुरस्कार चंडी प्रसाद भट्ट को यहाँ पे मिला, तो ये भी आप याद रखें, काफ़ी इंपॉर्टेंट फैक्ट है। चिपको आंदोलन यहाँ पे उत्तराखंड जिले से सॉरी उत्तराखंड राज्य से शुरू किया गया था। सेकंड अगर बात करें तो हमारे पर्यावरण के आधार पे सेकंड जो आंदोलन हुआ वो एपी को आंदोलन हुआ। एपी को आंदोलन काफ़ी चर्चा में रहा, मुख्य कारण इसका रहा जो इसका मेन रीज़न जो रहा वो आपका जो चिपकना, एपी को मतलब होता है चिपकना, किस में जैसे वृक्ष हो गए ये लोग चिपक गए और उसके कारण इसका नाम जो है वो एपी को पड़ा। आपको बता दूँ ये राज्य के कर्नाटक राज्य से शुरू किया गया। इसके प्रेरणाता पांडुराम हेगड़े हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, काफ़ी एग्जाम्स में ये पूछा जाता है और आगामी एग्जामिनेशन जो भी आरपीसी के सभी में करण जीके का बड़ा यहाँ पे रोल देखने को मिला है। नेक्स्ट हम बात करें तो साइलेंट वैली आंदोलन जो है ये आपका राज्य के केरल जो केरल राज्य है वहाँ से शुरू किया गया। इसका मुख्य कारण की हम बात करें तो इसके कारण को आप देख सकते हैं, कुंती पुंज नदी पर 200 मेगावाट बिजली हेतु बांध प्रस्तावित होना, परंतु वैज्ञानिक एवं पर्यावरण कार्यकर्ताओं का मानना था कि इसके साथ में आसपास के क्षेत्रों में फूलों पौधे इत्यादि प्रकार की वनस्पति लुप्त हो जाएगी, तो इसी कारण से इसका यहाँ पे विरोध इनके द्वारा किया गया, जिस जो कि साइलेंट वैली आंदोलन के नाम से जाना जाता है। ध्यान रहे केरल राज्य से इसकी शुरुआत की गई थी। आगे हम बात करें तो जंगल बचाओ आंदोलन ये राज्य के बिहार जो राज्य है वहाँ से शुरू किया गया, 1980 में इसकी शुरुआत की गई। मुख्य कारण की बात करें तो सरकार ने जंगलों को मूल्य जो मूल्यवान सागौन के पेड़ होते हैं उनके जंगल में बदलने की योजना पेश की। बाद में ये आंदोलन झारखंड व उड़ीसा के अंदर भी इन राज्यों में देखने को मिला, हालांकि इसकी शुरुआत बिहार में हुई 1980 से। इसका नाम जंगल बचाओ अभियान है, 1980 से इसकी शुरुआत की गई। आगे बात करें जंगल बचाओ आंदोलन, इसकी हमने बात कर ली, ये ध्यान रहे। उसके बाद में हमारे पास में नर्मदा बचाओ आंदोलन है। नर्मदा जैसा कि आप लोग जानते हैं मध्य प्रदेश में ये आंदोलन किया गया और मेगा पाटेकर जो हैं वो मुख्य इसके प्रेरणेता रहे हैं। टिहरी बांध विरोध आंदोलन की बात करें तो यहाँ पे टिहरी बांध जो है जोधपुर महाराजा अभय सिंह के काल में राज्य के उत्तराखंड जो राज्य है 1972 में यहाँ पे टिहरी बांध एशिया का सबसे ऊंचा विश्व का 5वां सबसे ऊंचा बांध है, जो कि भागीरथी और आपका मील गंगा के किनारे या फिर उस नदी के ऊपर ये बना हुआ है। इसका विरोध मुख्य कारण जो जिनके द्वारा किया गया उनमें सुंदरलाल बहुगुणा इत्यादि प्रकार के पर्यावरणविद जो हैं जो पर्यावरण विशेषज्ञ हैं इनके द्वारा इसका विरोध किया गया। इसका नाम टिहरी बांध आंदोलन है, जो कि 1972 उत्तराखंड राज्य से इसकी शुरुआत की गई। नेक्स्ट हमारे पास में राजस्थान से संबंधित काफ़ी बड़ा यहाँ पे वन से संबंधित जो आंदोलन देखने को मिला वो खेजड़ली, जो कि यहाँ पे खेजड़ली गाँव जोधपुर जिले में आता है। इसकी शुरुआत जो है 1730 में अमृता देवी विश्नोई के नेतृत्व में 363 लोगों के हरे पेड़ पर कटाई को रोकने हेतु अपने पर जो प्राण हैं वो न्यौछावर किए। इन्हीं को देखते हुए यहाँ पे इस आंदोलन को काफ़ी यहाँ पे सक्रियता मिली और काफ़ी प्रसिद्धि भी मिली, जिसमें 363 व्यक्तियों ने अपने जो है शहीद हुए इसके अंदर। खेजड़ली मेला भाद्रपद शुक्ल दशमी को लगता है, जो कि राजस्थान का काफ़ी फेमस मेला, पहला वन मेला ये कहलाता है, जो कि 1730 में इसकी शुरुआत की गई थी। खेजड़ली मेले में पर्यावरण प्रियताओं का महाकुंभ इसको कह सकते हैं, यानी कि पर्यावरण जो प्रेमी हैं उनका महाकुंभ भी यहाँ पे राजस्थान के जो खेजड़ली गांव में मेला भरता है,
जिसे खेजड़ली मेला कहते हैं उसको कहा जाता है, ध्यान रहे, पर्यावरण प्रेमियों का महाकुंभ इसको संज्ञा दी गई है। पर्यावरण संरक्षण के लिए इसे बलिदान की स्मृति में खेजड़ली गांव में प्रतिवर्ष 5 जून को बलिदान दिवस के रूप में मनाया जाता है। खेजड़ली शहीद स्मारक की बात करें तो 3 जून 2021 को इसका उद्घाटन हाल ही में राज्य के जो माननीय CM महोदय हैं अशोक गहलोत जी के द्वारा इसका उद्घाटन किया गया। ध्यान रहे राजस्थान के अंदर पहला जो खेजड़ली शहीद स्मारक है वो खेजड़ली गांव के अंदर है, जो कि माननीय CM महोदय के द्वारा हाल ही में 3 जून 2021 को इसको शुभारंभ की गई है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, हमारे पास मेघडासर तालाब कहाँ पे स्थित है, इसका संबंध क्या है और करंट जीके में हाल ही में जो पूछा गया है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है। देखिए सबसे पहले करंट जीके में इसको पूछने का मेन जो मोटो है उसका मतलब ये है कि जलाशय के पुनः आबाद हो जाने के लिए साथ ही जल आपूर्ति भूजल को स्तर को बढ़ावा देने के लिए इस प्रकार का जो है हाल ही में चर्चा में रहा, जिसमें मेघडासर तालाब इसमें स्थित है। ये आपका जोधपुर में भाप जो भाप है वहाँ पे पंचायत समिति में आता है, तो ये भी याद ध्यान रखें। और इसमें पेड़ जो पड़े हैं इसके जो अनुपयोगी पड़े इस तालाब का जीर्णोद्धार किया जाएगा, जिसमें आसपास के लोगों को जल की आवश्यकता की पूर्ति हो सके, वहाँ के दैनिक दिनचर्या का जो वातावरण संबंधी जो भी है वो भी यहाँ पे कंप्लीट हो सके। तो इस कारण से यहाँ पे मेघडासर तालाब काफ़ी चर्चा में रहा, ध्यान रहे जोधपुर के भाप पंचायत समिति में ये आता है। आगे हम बात करते हैं वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज कंजर्वेशन के कुछ यहाँ पे मेन फैक्ट जो तेरे, तो राजस्थान जीके के अंदर जो करंट जीके के अंदर इससे यहाँ से क्वेश्चन पूछा ही जाता है। देखिए यहाँ से मैं आपको बता दूँ, सबसे पहले वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंजर्वेशन जो है राजस्थान के अंदर 1972 में लागू हुआ, हालांकि राजस्थान के अंदर ये 1973 में है, एक साल बाद में है, तो ये आप देख सकते हैं। भारत में तो 1972 में लागू हो गया लेकिन राजस्थान में एक साल बाद में यानी कि 1973 में है। सेक्शन 35 राज्य के किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क घोषित कर सकता है, ऐसा अपने संविधान में लिखा हुआ है। ससंद का अनुमोदन इसके लिए जरूरी होता है, पार्लियामेंट के द्वारा सैंक्शन करवाना होता है। साथ ही सेक्शन 38 की बात करें 38 की, तो केंद्र सरकार के किसी भी क्षेत्र को राष्ट्रीय पार्क घोषित किया जा सकता है, जिसकी पात्रता जो रहती है वो मैं आपको बता देता हूँ। सबसे पहले राजस्व ग्राम नहीं होना चाहिए, उसके बाद में नेशनल हाईवे, राज्य हाईवे, रेलवे मार्ग वहाँ से नहीं गुजरना चाहिए। साथ ही यहाँ पे आप देख सकते हैं जो दो इसमें रीज़न रहे वो आप देख सकते हैं, काफ़ी चर्चा में रहता है। राजस्थान के अंदर 1973 में जो वाइल्ड लाइफ सेंचुरी कंजर्वेशन एक्ट है वो लागू किया गया था, हालांकि भारत में 1972 में हो चुका था। उसके बाद में हम बात करते हैं पर्यावरण से जुड़े हुए उन मुद्दों की जो डायरेक्ट फैक्चुअल क्वेश्चन है राजस्थान के किसी भी एग्ज़ाम में पूछे जाते हैं, चाहे वो कोई भी एग्ज़ाम आप लोग उठा के देख लीजिएगा। सबसे पहले राजस्थान के अंदर टोटल नेशनल पार्क जो हैं वो आपके 3 हैं, ध्यान रहे नेशनल पार्क राजस्थान में हाल ही में 3 हैं। वन्य जीव अभयारण्य की बात करें तो टोटल राजस्थान में 27 हैं, साथ ही यहाँ पे कंजर्वेशन एरिया की बात करें 16 है, टाइगर रिजर्व की बात करें तो टोटल 4 है, पक्षी स्थल जो कि राजस्थान में 2 हैं, पहला केवला देव और सांबर झील यहाँ पे स्थित हैं। कुल प्रादेशिक मंडल की बात करें तो 38 है, वन्य जीव मंडल की बात करें तो 16 है, बायोलॉजिकल पार्क की बात करें तो 4 हैं राजस्थान के अंदर, इको सेंसिटिव जोन की बात करें तो राजस्थान में के अंदर 15 हैं, और इको टूरिज्म साइट की बात करें तो 9 है, जैव विविधता स्थल की बात करें तो 5 है, आखेट निषेध क्षेत्र की बात करें तो 33 है, आर्द्र भूमि राजस्थान के अंदर 2 है, और मृग वन जो है राजस्थान के अंदर 7 है टोटल। तो ये ध्यान रखें करंट जीके के लिहाज से काफ़ी इंपॉर्टेंट ये जो स्लाइड्स मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूँ। आगे हम बढ़ते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे, तो हमारे पास में टाइगर प्रोजेक्ट्स में शामिल की हम बात करें तो 1973 में जो है टाइगर प्रोजेक्ट में शामिल हो चुका था। राष्ट्रीय पार्क का दर्जा जो है 1980 में मिला, ये ध्यान रखना, बैक टू बैक मैं नीचे चल रहा हूँ। तो उसके बाद में हमारे पास में राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1980 में मिला, एक मिनट ये वाला रणथंभौर, ठीक है यहाँ से देखिए, तो यहाँ से मेरे पास में रणथंभौर के बारे में हम चर्चा कर रहे थे। रणथंभौर ये थोड़ा मैंने आगे पीछे कर रखा है, रणथंभौर, तो रणथंभौर हमारे पास में जो रिजर्व प्रोजेक्ट है जो कि टाइगर रिजर्व प्रोजेक्ट घोषित किया गया था इसको 1973 में, राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1980 में रणथंभौर को मिला, ये भी याद रखें। विश्व बैंक के सहयोग से 1996 को इको डेवलपमेंट प्रोग्राम यहाँ से शुरू किया जाता है। टाइगर मैन ऑफ द इंडिया कैलाश साखला को कहा जाता है, जो कि जोधपुर के रहने वाले थे।
पद्मश्री, भारत रत्न है सॉरी राजस्थान रत्न अवार्ड से इनको नवाजा गया। साथ ही इनकी बुक्स की बात करें तो द टाइगर्स इनकी बुक्स का नाम है। आगे हम बात करते हैं तो राजस्थान के अंदर रणथंभौर बाघ परियोजना के जनक जो हैं वो फतेह सिंह राठौड़ को कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम राष्ट्रीय पार्क व राज्य की प्रथम बाघ संरक्षण परियोजना यहीं से शुरू की गई थी, यानी कि रणथंभौर जो उद्यान है वहीं से स्टार्ट किया गया था। इसके उत्तर की बात करें तो यहाँ पे बनास और दक्षिण में चंबल नदी का प्रवाह है, यानी कि इसके उत्तर में तो बनास नदी निकलती है और इसके पश्चिम सॉरी इसके दक्षिण की बात करें तो चंबल नदी का फ्लो होता है। और यहाँ पे जोगा महल, यहाँ के त्रिनेत्र गणेश जी का मंदिर काफ़ी फेमस है और रणथंभौर दुर्ग भी यहाँ का फेमस है। नेक्स्ट हमारे पास में जो चलते हैं वो केवला देव पक्षी विहार की बात करते हैं। देखिए केवला देव घना पक्षी विहार राजस्थान के भरतपुर ज़िले में आता है। इसे पक्षियों का स्वर्ग कहा जाता है। पक्षियों के लिहाज से बड़ा प्राकृतिक प्रजनन केंद्र के नाम से जाना जाता है। साथ ही राष्ट्रीय पार्क का दर्जा 1981 में मिला। ध्यान रहे इससे पहले रणथंभौर की चर्चा अपन ने कर ली थी, जो कि 1980 में उसे राष्ट्रीय पार्क का दर्जा दिया गया था। सेकेंड हमारे पास में केवला देव घना पशु विहार की को दी मिला यहाँ पे 1981 में। आगे हम बात करते हैं इसके बारे में तो यूनेस्को की जो विश्व विरासत है स्थल है 1985 में इसको शामिल कर लिया गया था, ये जो कि भारत विश्व की यूनेस्को जो विश्व विरासत स्थल जो है उसमें शामिल कर लिया गया था। राज्य का दूसरा नेशनल पार्क है जो कि 1956 में इसे अभयारण्य का दर्जा दिया गया था, तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है। आगे चलते हैं नेक्स्ट है। इसे रामसर साइट का आद्र भूमि जो भी है वो भी कहा जाता है, यानी कि रामसर साइट भी यहाँ पे स्थित है। राजस्थान की एकमात्र मॉन्टेक्स रिकॉर्ड साइट भी यहाँ पे प्राप्त है, यानी कि यहाँ पे मिली है। गंभीर और वाण गंगा के संगम पर ये स्थित है, जब मैं बात कर रहा हूँ यहाँ पे जो हमारे पास में केवला देव घना पक्षी विहार है। उसके बाद में हमारे पास में यहाँ पानी के लिए अजान बांध बना हुआ है। इसके अलावा पाइथन पॉइंट भी यहाँ पे देखने को मिलता है जिसके ऊपर अजगर के दर्शन होते हैं। उसके बाद में पक्षी विशेषज्ञ डॉक्टर सलीम अली की कार्यस्थली है जिसे वर्ल्ड मैन ऑफ द इंडिया कहा जाता है। 12 नवंबर को नेशनल वर्ल्ड डे मनाया जाता है। सलीम अली जो है पक्षी विज्ञान संस्थान कोयम्बटूर तमिलनाडु से संबंधित है, ये भी आप याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास में जो पॉइंट है यहाँ तक 13वां पॉइंट इसमें जो आता है मुख्य आकर्षण केंद्र जो आपको देखने को मिलेंगे यहाँ पे, सबसे पहले मुख्य आकर्षण आपको साइबेरियन क्रेन देखने को मिलेंगे, साथ ही रोजर पिस्टल भी देखने को मिलेगा, ब्लैक एंड गिट्स जो है वो भी देखने को मिलेंगे। तो यहाँ के मुख्य आकर्षक ये जो हैं ये पक्षी हैं। यह अजगर व कदम के पेड़ों के लिए काफ़ी फेमस है। ध्यान रखें राजस्थान के अंदर कदम के पेड़ जो है सबसे ज़्यादा जो मिलते हैं वो आपको केवला देव घना पक्षी विहार में मिलेंगे। साथ ही यहाँ पे अजगर के दर्शन भी होते हैं, अजगर भी यहाँ पे पाए जाते हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे पाइथन जो पाइथन पॉइंट्स हैं वहाँ पर जाके अजगर देख सकते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट नेशनल पार्क की, जो कि मुकुंदरा हिल्स नेशनल पार्क है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं राजस्थान के अंदर जो मुकुंदरा नेशनल पार्क है काफ़ी चर्चा में यहाँ पे रहता है, जो कि राजस्थान की हम बात करें तो राजस्थान के कौन कौन से जिलों में, यहाँ से क्वेश्चन कई बार पूछे गए जाते हैं। तो ये अपने पास में राजस्थान का मैप मैंने आपके सामने ड्रॉ कर दिया। यहाँ से कोटा हो गया, उसके बाद में यहाँ पे झालावाड़ हो गया, ध्यान रही मैं शॉर्टकट में यहाँ पे जे लिख रहा हूँ, और यहाँ से चित्तौड़ हो गया और ये आपका बूंदी हो गया। तो इन चार जिलों में राजस्थान का मुकुंदरा नेशनल पार्क जो है वो फैला हुआ है। बेसिकली नेशनल पार्क का दर्जा इसे 9 जनवरी 2022 को मिला, 2012 को सॉरी 9 जनवरी 2012 नेशनल पार्क इसको मिला, जो कि मुकुंदरा हिल नेशनल पार्क के नाम से जाना जाता है। साथ ही राज्य की तीसरी बाघ परियोजना यहाँ पे शुरू की गई, पहली रणथंभौर, दूसरी हमारे पास में केवला देव घना विहार, और नेक्स्ट हमारे पास में जो है मुकुंदरा आपकी होगी। उसके बाद में हमारे पास में जो बाघ परियोजना हो गया, उसके बाद में उसमें गागरोन तोतों के लिए भी ये फेमस माना जाता है कि यहाँ पे गागरोनी तोता जो है वो काफ़ी यहाँ पे प्रसिद्ध है। इसका पुराना नाम दर्रा था और गागरोन दुर्ग अबली मीणी के महल, रावठा महल, उसके बाद में भीम चोरी आदि मंदिर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। काफ़ी बार यहाँ से क्वेश्चन डायरेक्टली उठा लिया जाता है कि गागरोन दुर्ग राजस्थान के किस नेशनल पार्क पे स्थित है, तो मुकुंदरा नेशनल पार्क हो गया। साथ ही अबली मीणी के महल जो है कौन से नेशनल पार्क में देखने को मिलते हैं, ये भी चीज़ आप देख सकते हैं। साथ ही रावठा महल जो है काफ़ी चर्चा में रहता है, भीम चोरी भी काफ़ी चर्चा में रहता है, तो ये इंपॉर्टेंट थे। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शन पे। अगर बात करें नेशनल पार्क के स्थापना के क्रम का, सबसे पहले रणथंभौर को 1980 में मिला,
केवला देव को 1981 में और मुकंदरा को 2012 में जो है नेशनल पार्क का दर्जा दिया गया। हाल ही में राजस्थान में 3 नेशनल पार्क आपको देख पा रहे हैं। नेशनल पार्क के क्षेत्रफल की बात करें तो सबसे ज़्यादा क्षेत्रफल की एवज में रणथंभौर है, जिसका टोटल क्षेत्रफल 282 किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद मुकंदरा जो कि 199 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद केवला देव 28 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। तो ये जो एरिया है, क्षेत्रफल है, वो भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको बिल्कुल रट के दें। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे। नेक्स्ट हमारे पास में है राष्ट्रीय मरु उद्यान। सबसे पहले तो आप यही याद कर लो कि यहाँ पे राष्ट्रीय मरु उद्यान राजस्थान के जैसलमेर जिले में है, जो कि इस प्रकार का जो उद्यान है वो पहला है। और दूसरा यहाँ पे बाड़मेर जिले में, तो ये भी आप याद कर लो कौन कौन से जिले में आते हैं। पहला क्वेश्चन तो यहाँ से क्लियर हो गया। देखिए बात करते हैं इससे जो मरु उद्यान है वहाँ पे आपको गोडावण, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड इस इत्यादि के शरण स्थल के रूप में जाना जाता है। क्षेत्रफल के लिहाज से सबसे बड़ा अभयारण्य आप इसको कह सकते हैं, राष्ट्रीय मरु उद्यान इसका नाम है। साथ ही यहाँ पे इस अभयारण्य में अकाल वुड फोजल पार्क स्थित है, जैसलमेर में स्थित है। प्राकृतिक वनस्पति, वन्य जीवों के जीवाश्म भू गर्भ से मिलने वाले जो भी यहाँ से जो अवशेष है वो यहाँ से प्राप्त हुए हैं। उसके बाद में सरिस्का उद्यान की हम बात कर लेते हैं, सरिस्का अभयारण्य की। तो सबसे पहले सरिस्का उद्यान आपका अलवर जिले में है, राज्य की दूसरी टाइगर रिजर्व यहाँ पे है। ठीक है, हालांकि इससे पिछले वाले वीडियोस में स्लाइड्स में मैंने यहाँ पे बाय मिस्टेक गलत बोल दिया था। तो पहला यहाँ पे रणथंभौर हो गया जो कि टाइगर रिजर्व के रूप में, और सेकंड आपका पास में जो है वो सरिस्का हो गया, और तीसरा जो भी अभी मैंने आपसे बात की थी ये मुकंदरा हिल्स हो गया। ठीक है, ये आप ध्यान रखें। तो चलिए बात करते हैं नेक्स्ट, इसी में आगे कंटिन्यू। और 2005 और 6 में इसे अभयारण्य शिकार के लिए काफ़ी चर्चा में रहा। ऑपरेशन टाइगर, उसके बाद में रिहाइड्रेशन के तहत रणथंभौर से बाघों का पुनर्वास यहाँ पे करवाया गया। हरे कबूतर, जंगली सुअर जो हैं वो यहाँ पे चर्चा में रहते हैं। साथ ही 2013 में इसे विभाजित करके सरिस्का ए जो है इसको बना दिया गया, यानी सरिस्का को दो भागों में बांट दिया गया था 2013 में। सरिस्का ए जो है वो जिला अलवर में ही आता है, यानी अलवर जिले में स्थित है। क्षेत्रफल के लिहाज से राजस्थान का सबसे छोटा अभयारण्य इसको कह सकते हैं। ताल छापर अभयारण्य की बात करें तो राजस्थान के चूरू जिले के अंदर सुजानगढ़ तहसील में स्थित है। साथ ही शेखावटी का एकमात्र ऐसा अभयारण्य है जो कि शेखावटी में स्थित है। यह कृष्ण मृग यानी काले हिरण के लिए काफ़ी चर्चा में रहता है। मेंथा घास यहाँ का फेमस है, जिसका वैज्ञानिक नाम माचिया साइप्रस रोडोटस जो है इसका साइंटिफिक नेम है। गंगा सिंह ने उदोलाव बेशोलाव तालाब यहाँ पे बनाए। आप याद रखें उदोलाव तालाब या फिर बेशोलाव तालाब किस अभयारण्य से संबंधित है, तो ध्यान रहे ताल छापर जो कि चूरू जिले में आता है और सुजानगढ़ तहसील में आता है। ठीक है, इसके निकट गुरु द्रोणाचार्य का आश्रम स्थल भी स्थित है, जिसका प्राचीन नाम द्रोणपुर यहाँ पे कहलाता है। वर्तमान में गोपालपुरा के नाम से इस स्थल को जानते हैं। साथ ही हमारे पास में पांडवों ने अपना अज्ञातवास यहीं पे बिताया था, ये भी आप याद रखें। सवाई मानसिंह की बात करें तो यहाँ से हम बात करें जिला सवाई माधोपुर के अंदर स्थित है। साथ ही रणथंभौर नेशनल पार्क से सटा हुआ ये अभयारण्य है, सवाई मानसिंह अभयारण्य, जो कि जो सवाई माधोपुर में पड़ता है और रणथंभौर नेशनल पार्क के सटीक है, पास में है, यानी उसके बगल में स्थित है। उसके बाद सवाई माधोपुर अभयारण्य जिला सवाई माधोपुर में, जवाहर सागर अभयारण्य भी यहाँ पे कोटा और गोंड रूप से बूंदी चित्तौड़ जिले में यहाँ स्थित है। जलीय जीवों के लिए काफ़ी यहाँ पे फेमस माना जाता है, जो कि जवाहर की हम बात करें, जवाहर सागर जो कि मुख्य रूप से यहाँ पे देख सकते हैं बूंदी और चित्तौड़ में स्थित है। जलीय जीवों के लिए काफ़ी फेमस रहता है, घड़ियाल, मगरमच्छ, कछुआ, गांगेय डॉल्फिन, ये सभी प्रकार के जो हैं वन्य जो जलीय जीव हैं वो पाए जाते हैं। राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य की बात करें, सबसे पहले राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य राजस्थान के कोटा, बूंदी, सवाईमाधोपुर और करौली व धौलपुर में स्थित है। ये भी आप याद रखें, मैं आपको बना देता हूँ मैप में। देखिए मैप्स के हिसाब से आप पढ़ेंगे तो काफ़ी अच्छा आपको मज़ा आएगा पढ़ने में। चलिए बात करते हैं कोटा, सबसे पहले आप ले लेते हैं कोटा है, उसके बाद आपका यहाँ पे बूंदी हो गया, सवाई माधोपुर हो गया, करौली हो गया, धौलपुर हो गया, यानी ये पूरा क्षेत्र आप लोग देख पा रहे हैं ना, जिसको मैं आपके सामने अब हाईलाइट कर रहा हूँ, यहाँ से देखिए जिसको मैं आपके सामने हाईलाइट कर रहा हूँ, दिख रहा है आपको, ये पूरा क्षेत्रफल जो है यहाँ पे आपका राष्ट्रीय चंबल अभयारण्य स्थित है, चंबल नदी पे स्थित है, वाकिफ सी यहाँ पे चंबल है तो चंबल नदी के ऊपर स्थित है, एकमात्र नदी अभयारण्य है जिसके ऊपर नदी गुजरती है इसके अंदर से। ठीक है, बैसरोडगढ़ अभयारण्य की हम बात करें तो ये चित्तौड़गढ़ में स्थित है, मुकुंदरा बाघ परियोजना का ही हिस्सा यहाँ पे है, चंबल और ब्राह्मणी नदी के किनारे यहाँ पे, यानी इसके अंदर से चंबल और ब्राह्मणी नदी गुजरती है, ये भी आप याद रखें।
महाराणा प्रताप सागर के डूब क्षेत्र यानी कि बैंक वाटर और जल भराव क्षेत्र की स्थिति में स्थित होने के कारण जलीय जीवों की प्रधानता यहाँ पे रहती है। बस्सी अभयारण्य की बात करें तो चित्तौड़गढ़ में स्थित है, ठीक है, ये भी आप याद रखें। और कास्ट कला के इस लिहाज से बस्सी अभयारण्य काफ़ी चर्चा में रहता है। कास्ट जो खिलौने हैं यानी कि कलात्मक जो भी वस्तुएं हैं, लकड़ी के खिलौने हैं, काफ़ी प्रकार के खिलौने यहाँ पे बस्सी अभयारण्य में इनकी जंगली लकड़ियों से बनाए जाते हैं। सीता माता अभयारण्य की हम बात करते हैं, प्रतापगढ़ जिले में स्थित है, राजस्थान का सर्वाधिक जैव विविधता वाला क्षेत्र आप इसको कह सकते हो। सीता माता अभयारण्य राजस्थान का सबसे ज़्यादा जैव विविधता वाला अभयारण्य है। हिमालय के बाद में सबसे ज़्यादा जड़ी बूटियाँ यहाँ पे मिलती है आपको। उड्डन गिलहरी भी काफ़ी चर्चा में रहती है। चित्तल का मर्त्य यानी मर्त्य भूमि भी इसको कहते हैं, यानी कि यहाँ पे चीता काफ़ी पाए जाते हैं सीता माता में। दो यहाँ पे जल स्रोत हैं जिनके नाम लवकुश के नाम से इनको जाना जाता है। जाखम इरू नदी यहाँ से गुजरती है। तो कुछ पॉइंट यहाँ पे हैं जो आपको डायरेक्टली रटने हैं, जिसमें प्रतापगढ़ जिले में सीता माता अभयारण्य स्थित है। सबसे ज़्यादा जैव विविधता यहाँ पे पाई जाती है, जड़ी बूटियाँ भी यहाँ पे काफ़ी पाई जाती है। उड़न गिलहरी के नाम से जो ये अभयारण्य जाना जाता है, चित्तल की मातृभूमि इसको कह सकते हैं। लवकुश दो जलाशय जो हैं वो स्थित हैं। जाखम इरू नदी यहाँ से गुजरती है। उसके बाद में शेरगढ़ अचरोली अभयारण्य जो है वो यहाँ पे बारा जिले में स्थित है। सांपों की शरण स्थली शेरगढ़ अचरोल को कहते हैं। जो परवन नदी है वो यहाँ से गुजरती है। जंगल के बजाय घास के मैदान यहाँ पे सबसे ज़्यादा देखने को मिलते हैं। काला भेड़िया यानी काले कलर का भेड़िया यहाँ पे मिलता है, काफ़ी चर्चा में रहता है। नेक्स्ट हमारे पास में सज्जनगढ़ अभयारण्य जो कि उदयपुर जिले में स्थित सज्जनगढ़ अभयारण्य की बात करें उदयपुर ज़िले में स्थित है। बांस धड़ा पहाड़ी पे स्थित है। साथ ही इस अभयारण्य के में एक बड़ी तालाब है, बड़ी नाम से तालाब है, ध्यान रखिए तालाब का नाम बड़ी है, ठीक है। आपसे पूछिए बड़ी तालाब किस अभयारण्य में स्थित है, तो सज्जनगढ़ है जो कि उदयपुर में स्थित है। जयसमंद अभयारण्य उदयपुर में स्थित है, ठीक है, ये भी आप याद रखें। और जयसमंद झील के किनारे पहाड़ियाँ भी स्थित है, बघेरों के लिए काफ़ी फेमस है, ध्यान रखें। जयसमंद जो अभयारण्य है उसमें बघेरे काफ़ी पाए जाते हैं। फुलवरी की नाल की बात करें उदयपुर ज़िले में स्थित है। और मानसी वाकल नदी इसमें से होके गुजरती है। साथ ही माउंट आबू के बाद में सबसे ज़्यादा जो जंगली मुर्गे पाए जाते हैं वो आपका फुलवरी की नाल अभयारण्य में ही पाए जाते हैं, ये भी आप याद रखें। अगला पॉइंट हमारे पास में कुंभलगढ़ अभयारण्य है जो कि राजसमंद उदयपुर पाली इन तीन जिलों में स्थित है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे भेड़िए पाए जाते हैं कुंभलगढ़ में। चौसिंगा प्रकार जो चौसिंगा है वो भी यहाँ पे पाया जाता है। स्थानीय भाषा में इसको गटेल कहते हैं। यहाँ पे रणकपुर मंदिर जो जैन मंदिर है, रणकपुर जैन मंदिर स्थित है। साथ ही इसके ऊपर जो है बनास नदी का उद्गम भी होता है खमनोर की पहाड़ियों से। साथ ही यहाँ पे इसका अन्य नाम कुंभलगढ़ रावली अभयारण्य भी इसका अन्य नाम है, तो ये भी आप याद रखें। टाटगढ़ रावली अभयारण्य की हम बात करें तो टाटगढ़ रावली अभयारण्य जो है आपके अजमेर जिले के रूम में अजमेर ज़िले में स्थित है। साथ ही राजसमंद पाली ज़िले में भी स्थित है। तो ये तीन ज़िलों में जो है आपका टाटगढ़ रावली अभयारण्य स्थित है। राजसमंद पाली अजमेर कमली घाट व गोरम घाट यहाँ पे स्थानीय जो दर्शनीय स्थल हैं, देखने लायक हैं, टूरिज्म पैलेस के हिसाब से काफ़ी चर्चा में रहते हैं। और यहाँ पर काफ़ी प्रकार के टूरिज़म जो है वो यहाँ पर आते हैं हर साल। टाटगढ़ रावली अभयारण्य अजमेर राजसमंद पाली में स्थित है। माउंट आबू अभयारण्य आपका सिरोही जिले में स्थित है, जंगली मुर्गों के लिए फेमस है। विश्व में केवल आबू पर्वत पे ही पाए जाते हैं, पाए जाने वाले वनस्पति जो है डिकल्पटेरा साथ ही आबू सीस जो है वो आपका प्रचुर मात्रा में यहाँ पे मिलता है। यह प्रथम इको सेंसिटिव जोन है, सदाबहार वनों की कैटेगरी में इसको डाला गया है, ठीक है, काफ़ी चर्चा में रहता है, ध्यान रहे। धौलपुर में रामसर अभयारण्य केसरबाग अभयारण्य वन विहार स्थित है, ये भी आप ध्यान रखें। धौलपुर में बंद बेरेठा अभयारण्य भरतपुर में स्थित है, साथ ही पक्षियों के लिए काफ़ी चर्चा में रहता है। उसके बाद में नाहरगढ़ जो अभयारण्य है वो जयपुर ज़िले में स्थित है। दर्रा अभयारण्य आपके कोटा झालावाड़ में स्थित है। जमुआ रामगढ़ अभयारण्य आपका जयपुर में स्थित है। केला देवी अभयारण्य आपका करौली और सवाई माधोपुर में स्थित है। रामगढ़ विषधारी अभयारण्य हाल ही में बूंदी में स्थित है, जो कि 1982 में इसको वन्य जीव का दर्जा दे दिया गया था। 16 मई 2022 को इसको टाइगर रिजर्व के रूप में यहाँ पे देखा गया। साथ ही उपनाम की बात करें तो रणथंभौर के बाघों का जच्चा घर, जो बाघों का जच्चा घर है वो आपका रामगढ़ विषधारी को कहते हैं। साथ ही देश का 52वां टाइगर रिजर्व की जो सूची में है वो शामिल कर लिया गया है। आगे हम बात करते हैं इसी के आगे कंजर्वेशन एरिया और संरक्षित एरिया जो है वो कौन कौन से। बिसलपुर संरक्षित क्षेत्र टॉक जो कि मोर के लिए फेमस है। जोहड़ बीड़ संरक्षित क्षेत्र बीकानेर में गिद्धों के लिए फेमस है। सूदा माता की बात करें तो जालौर में स्थित है और भालू के लिए काफ़ी चर्चा में रहता है।
गोटा विश्नोई संरक्षित क्षेत्र आपका जो है जोधपुर में स्थित है, जो कि कृष्ण मर्ग के लिए जाना जाता है। जवाई बांध संरक्षित क्षेत्र पाली में पड़ता है, तेंदुओं के लिए जाना जाता है। जवाई बांध संरक्षित क्षेत्र आपका जो दूसरा है वो पाली में स्थित है और तेंदुओं के लिए जाना जाता है। उमेदगंज संरक्षण क्षेत्र जो है वो कोटा में पक्षियों के लिए जाना जाता है। गांगेलाव जो संरक्षित क्षेत्र है वो नागौर में, रोटू भी नागौर में पड़ता है। बीड जो कि झुंझुनू में आता है। शाकंभरी माता संरक्षित क्षेत्र आपका सीकर झुंझुनू में है। बांशियाल जो है और बांशियाल दो जो है संरक्षित क्षेत्र वो दोनों ही झुंझुनू में है। मनसा माता जो है वो भी झुंझुनू में है। शाहबाद संरक्षित क्षेत्र आपका बारा में है। रणखार चितलवाना जो कि जालोर के अंदर स्थित है और जंगली गधों के लिए ये फेमस है। याद रहे हाल ही में सोड़वा जो कंजर्वेशन है वो आपका रणखार है जो कि जालोर ज़िले में स्थित है। यहाँ से डायरेक्टली क्वेश्चन बनने के बिल्कुल चांस है कि हाल ही में कौन से जो संरक्षित क्षेत्र है उसको घोषित किया गया है, तो रणखार को है वो हाल ही में इस घोषित किया गया है। सबसे बड़ा संरक्षित क्षेत्र जो है शाहबाद बारा है, जिसका टोटल एरिया 189 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। उसके बाद में शाकंभरी माता सीकर में स्थित है, 131 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। सूदा माता की बात करें तो जालौन में स्थित है और इसका टोटल 117 किलोमीटर स्क्वायर है। सबसे छोटा संरक्षित क्षेत्र की बात करें तो रोटू नागौर में स्थित है, जो कि 0.72 किलोमीटर स्क्वायर है। गोटा विश्नोई की बात करें जोधपुर में स्थित है, 2.31 वर्ग किलोमीटर स्क्वायर है। उसी प्रकार से उमेदगंज पक्षी विहार है कोटा जिले में आता है और इसका क्षेत्रफल 2.72 किलोमीटर स्क्वायर के हिसाब से ये आता है। ठीक है, टाइगर रिजर्व की बात करें तो हाल ही में इसका जो स्कीम है, ये जो परियोजना है वो अप्रैल 1973 से शुरू की गई। केंद्र सरकार द्वारा ये संचालित है। पहला जो है राजस्थान का आपका रणथंभौर है और दूसरा सरिस्का, तीसरा मुकुंद्रा, चौथा रामगढ़ विषधारी। तो ये टोटल हमारे पास में चार ऐसे क्षेत्र हैं जहाँ पे ये संचालित की जा रही है, केंद्र सरकार की स्कीम है। और एक नया यहाँ पे जो क्षेत्र है कुंभलगढ़ को खोजा गया है, जहाँ पे भी यहाँ पे टाइगर रिजर्व घोषित करने की बात की गई है। लेकिन अभी हाल ही में नवीनतम जो है रामगढ़ विषधारी को घोषित कर दिया गया है, जो कि बूंदी भीलवाड़ा जिले में आता है, हाल ही में लेटेस्ट है, इसको आप याद रखें। आगे बात करते हैं तो टाइगर रिजर्व क्षेत्रफल जो है रणथंभौर का जो हम बात करें टाइगर रिजर्व के हिसाब से 1411 किलोमीटर स्क्वायर है। सरिस्का का 1213 किलोमीटर स्क्वायर है। रामगढ़ का 1052 किलोमीटर स्क्वायर है और मुकुंद्रा जो है वो उसका 759 किलोमीटर स्क्वायर है। राज्य में बाघ परियोजना की बात करें टोटल आपके देख सकते हैं, टोटल बाघ जो है 103 राजस्थान में स्थित है। टोटल बाघों की संख्या राजस्थान में 103 है, जो कि रणथंभौर में 70 बाघ हैं और करौली धौलपुर में मिला दिया जाए तो 4-4 बाघ हैं और सरिस्का में टोटल 23 बाघ हैं और हमारे पास में रामगढ़ और मुकुंद्रा में एक एक बाघ है। तो इस प्रकार से टोटल 103 है, सबसे ज़्यादा रणथंभौर में है, टोटल 70 यहाँ पे है। ठीक है, बायोलॉजिकल पार्क की बात करें तो बायोलॉजिकल पार्क के हमारे पास में सबसे पहले सज्जनगढ़ जैविक उद्यान है, जो कि उदयपुर जिले में स्थित है और अप्रैल 2015 में शुरुआत की गई। माचिया जैविक उद्यान की बात करें जोधपुर में स्थित है, जो कि जनवरी 2016 से इसका शुभारंभ किया गया। नाहरगढ़ जैविक उद्यान जो कि जयपुर में स्थित है, जून 2016 में शुरू किया गया। अबेड़ा जैविक उद्यान जो है वो कोटा में स्थित है, जो कि 18 दिसंबर 2021 से शुरू किया गया। साथ ही प्रक्रियाधीन जो हाल ही में है मरुदरा जैविक उद्यान जो कि बीकानेर में होगा और पुष्कर जैविक उद्यान जो कि अजमेर में होगा, तो ये अभी प्रक्रियाधीन है, लेकिन अभी हाल ही में संचालित नहीं है, प्रक्रियाधीन है। लेकिन अभी जो कम्प्लीटली जो पूर्ण कर लिए जो गए हैं वो टोटल 4 है, जिसमें सज्जनगढ़, माचिया, नाहरगढ़, अबेड़ा ये शामिल है। इको सेंसिटिव जोन की बात करें बंद बारेठा भरतपुर में स्थित है, बस्सी चित्तौड़गढ़ में स्थित है, जो बेसरोडगढ़ है वो आपका चित्तौड़ में है, जयसमंद आपका उदयपुर में है। उसी प्रकार से जमुआ रामगढ़ जयपुर में, दर्रा जवाहर सागर बांध कोटा में है, माउंट आबू सिरोही में है, नाहरगढ़ जयपुर में स्थित है। साथ ही केवला देव जो आपका अभ्यारण है वो आपका भरतपुर है, सीता माता प्रतापगढ़ में, टाटगढ़ रावली अजमेर में, सज्जनगढ़ उदयपुर में, केसरबाग धौलपुर में, वन विहार राम सागर जो है वो तीनों ये धौलपुर में स्थित है। ठीक है, धौलपुर। साथ ही यहाँ हम बात करें तो प्रस्तावित 24 इको सेंसिटिव जोन है, जिसमें से टोटल 15 जो फाइनली नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है, जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। ध्यान रहे प्रस्तावित 24 है, लेकिन हाल ही में संचालित जो है इको सेंसिटिव जोन जो है वो आपके टोटल राजस्थान में 15 है, जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस कर दिया। इको टूरिज्म साइट की बात करें तो इको टूरिज्म साइट की सबसे पहले हम बात करेंगे, टोटल 9 है, जिसमें मेनाल भीलवाड़ा है,
पहली इको टूरिज्म साइट मेनाल है जो कि भीलवाड़ा में स्थित है। हमीरगढ़ ये भी भीलवाड़ा में, बस्सी बेसरोडगढ़ ये दोनों ही आपके चित्तौड़गढ़ में, सीता माता प्रतापगढ़ में, सुंदा माता जालोर में है, पंचकुंड जो कि अजमेर में है, गुडा विश्नोई जोधपुर में है और मुकुंद्रा जो है वो कोटा में स्थित है। तो आप देख सकते हैं हमारे पास में टोटल 9 इको टूरिज्म साइट हैं जो कि मैंने आपके सामने डिस्कस कर दी। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट हमारे पास में क्वेश्चन, सॉरी नेक्स्ट हमारे पास में जो करंट जीके क्वेश्चन है, जैव विविधता स्थल। देखिए सभी यहाँ पे मैं बात कर रहा हूँ करंट जीके से ऐड करके स्टैटिक जीके आपको यहाँ पे पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, और आरबीडी पब्लिकेशन जो वार्षिकांक जारी किया जाता है उसको कंप्लीट मैं आपके सामने इस वीडियोस के माध्यम से या फिर इस चैनल पे करवाने की बात मैंने आपसे कही थी। दोस्तों आपसे कहना चाहूँगा चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया कृपया करके यार चैनल को सब्सक्राइब कर लो और बेल आइकन्स भी दबा लो, क्योंकि आपका भाई आपके लिए राजस्थान के तमाम करंट जीके जो भी हाल ही में पब्लिश हो रही है करंट जीके की बुक्स, सभी जो बुक्स हैं उसका सारांश आपको मैं इस पोर्टल पे अवेलेबल करवा दूंगा। जैव विविधता स्थल की हम बात करें तो अकाल वुड फोजल पार्क जैसलमेर में स्थित है, केवड़ा की नाल उदयपुर में स्थित है, राम कुंडा जो कि उदयपुर में स्थित है, नाग पहाड़ अजमेर में और मनसा माता आपके झुंझुनू में। तो राजस्थान में हाल ही में जैव विविधता स्थल 5 हैं जिसमें अकाल वुड फोजल, केवड़ा की नाल, रामकुंडा, नाग पहाड़, मनसा माता, ये तीनों है, रट्टे मार लो इनको, ठीक है। नेक्स्ट है आखेट निषेध क्षेत्र की बात करें, सबसे बड़ा जो है आखेट निषेध क्षेत्र वो आपका सावंतसर कोटसर जो कि बीकानेर चूरू में स्थित है। साथ ही हम बात करें सबसे छोटा जो है आपका कनक सागर है और दूसरा संथल है जो कि कनक सागर तो बूंदी में है और सेंथल जो है वो आपका दौसा में है। सबसे ज़्यादा यहाँ पे जोधपुर में स्थित हैं 7 आखेट निषेध क्षेत्र स्थित हैं, जिसमें सबसे बड़ा मैंने आपको बता दिया बीकानेर में है और सबसे छोटा जो है वो आपका कनक सागर है। राज्य के अंदर आर्द्र भूमि प्राधिकरण की हम बात करें जिसे हम रामसर साइट कहते हैं, तो इसके अंदर 29 नवंबर 2019 को राजस्थान में ये शुरू किया गया था, जिसमें टोटल अध्यक्ष की बात करें तो 20 है, सदस्य की बात करें तो वन एवं पर्यावरण मंत्री इसके सदस्य होते हैं, कार्य की बात करें तो आर्द्र भूमि का संरक्षण करना इसका मुख्य कार्य रहेगा इस गठन का। साथ ही इसमें केवलादेव को 1981 में और सांबर को 1990 में वेटलैंड साइट का दर्जा राजस्थान में इसके तहत दिया गया था। मोट्रेक्स रिकॉर्ड की बात करें तो उन आर्द्र भूमियों को शामिल किया जाता है जिन्हें संरक्षण की अति आवश्यकता है, साथ ही पर्यावरण प्रदूषण और अतिक्रमण यहाँ पे बढ़ता जा रहा है, तो इस प्रकार के साइट को मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड्स में शामिल किया जाता है। राजस्थान की एकमात्र मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड शामिल जो है वो आपका केवलादेव शामिल है, ये भी आप याद रखिए केवलादेव को ही अभी मोन्ट्रेक्स रिकॉर्ड में शामिल किया गया है। संपूर्ण भारत में लोकटक आपके शामिल है साथ ही केवलादेव, तो ये दो हमारे पास में मोन्ट्रेक्स जो है साइट के रूप में जानी जाती हैं। मरग वन जो है राजस्थान के अंदर पहला माचिया सफारी मरग वन जोधपुर में स्थित है, अमृता देवी मरग वन आपका खेजड़ली जो कि जोधपुर में स्थित है, सज्जनगढ़ की बात करें उदयपुर में स्थित है, चित्तौड़गढ़ मरग वन आपका चित्तौड़गढ़ में स्थित है, पुष्कर मरग वन अजमेर में, अशोक विहार मरग वन जयपुर में, संजय मरग वन शाहपुरा जो कि जयपुर में, तो ये हमारे पास में मरग वन थे। आगे हम चलते हैं एलिफेंट प्रोजेक्ट के बारे में, तो हमारे पास में एलिफेंट प्रोजेक्ट की हम बात करें तो राजस्थान के अंदर 1992 में स्टार्ट किया गया, 1992 में इसका जो है शुरुआत की गई। हाथियों के संरक्षण हेतु ये प्रोजेक्ट स्टार्ट किया गया था, हाथी गांव कुंडा जो कि आमेर में स्थित है जयपुर के अंदर वहाँ पे। प्रोजेक्ट बस्टर्ड की बात करें गोडावण से संबंधित है जो कि राजस्थान के अंदर 2013 से शुरू किया गया, राजस्थान के जैसलमेर में इसका उद्घाटन किया गया। और भी विभिन्न प्रकार के विभाग की हम बात करें, वन विभाग जो है राजस्थान के अंदर 1949 में जयपुर में स्थापित इसको किया गया यानी शुरुआत की गई। पर्यावरण विभाग की बात करें तो 1983 जयपुर में स्थापित किया गया। राजस्थान राज्य वन विकास निगम जो है उसकी घोषणा बजट 2020 और 21 में की गई थी, साथ ही कंपनी एक्ट 2013 के तहत 16 दिसंबर 2020 को राजस्थान राज्य वन विकास निगम की स्थापना की गई थी, ये भी आप याद रखें। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट अगले पोर्शंस में, विश्व वानिकी वृक्ष उद्यान की हम बात करें झालाना जो कि जयपुर में स्थित है, ग्रास फार्म नर्सरी की बात करें ये आपका जयपुर में स्थित है, वन अनुसंधान फार्म की बात करें गोविंदपुर माकी शीशाराम और आपका उदयपुर, इनमें ये स्थित है 4, इसमें आपको याद रखें। बीज उत्पादन एवं भंडार केंद्र की बात करें जयपुर में स्थित है, उसके बाद केंद्रीय गोडावण प्रजनन केंद्र की बात करें जोधपुर में स्थित है, कैप्टिव ब्रीडिंग प्रथम केंद्र जो है आपका सोरसेन जो कि 12 में स्थित है वहाँ पे स्टार्ट किया गया, कैप्टिव ब्रीडिंग केंद्रीय द्वितीय की बात करें तो यहाँ पे रामदेवरा में स्टार्ट किया गया था,
हालांकि वर्तमान में समचौकी जैसलमेर में भी एक अस्थायी व्यवस्था गोडाउन के 18 चूजों का पालन पोषण हेतु की गई है, ध्यान रहे जैसलमेर के सम तहसील में, ठीक है। उसके बाद बात करते हैं तो हमारे पास में राजस्थान सरकार के द्वारा वन विभाग ने मार्च 2016 के प्रत्येक जिले में वन जीव शुभंकर घोषित किया गया। सबसे पहले 2016 के अंदर सभी राज्यों के लिए, सॉरी राज्य के सभी जिलों के लिए एक एक शुभंकर यहाँ पे घोषित किया गया था। सबसे पहले हम बात करते हैं चित्तूर की, चूरू का शुभंकर कृष्णमरग है, चित्तौड़गढ़ का शुभंकर चौशिंगा है, गंगापुर का शुभंकर छिंकारा है, चित्तल और मरग जो है वो जयपुर के शुभंकर है, याद रखें। नेक्स्ट हमारे पास भीलवाड़ा का शुभंकर मोर है, और अजमेर का खमनोर, बाड़मेर का मरु लोमड़ी, साथ ही अलवर की बात करें सांबर है, करौली का मगरमच्छ, सॉरी बारा का मगरमच्छ, करौली का घड़ियाल, पाली का तेंदुआ, सवाईमाधोपुर का बाघ है, साथ ही कोटा का उदव विलाप हो गया, भरतपुर सारस, नागौर का जो शुभंकर है वो आपका राजहंस है। उसके बाद में हमारे पास टोंक का हंस हो गया, बीकानेर का भट्ट तीतर हो गया, झुंझुनू का काला तीतर हो गया, झालावाड़ का गागरौनी तोता हो गया, सिरोही का जगली मुर्गा हो गया, जैसलमेर गोडावण का गोडावण हो गया, जालौर का भालू हो गया, राजसमंद का भेड़िया हो गया, प्रतापगढ़ का उड़न गिलहरी हो गया, साथ ही हमारे पास बांसवाड़ा का जलपीपी हो गया, बूंदी का सुराख हो गया, और हमारे पास में दौसा का खरगोश हो गया, धौलपुर का पंछीरा हो गया। नेक्स्ट हमारे पास सीकर का हम बात करें तो साइन है, डूंगरपुर का जंगली धोक है, हनुमानगढ़ का छोटा किलकिला है, जोधपुर का कुरंजा है और उदयपुर का बिजू है। तो इस प्रकार से टोटल 33 राजस्थान के जो जिले हैं उनके लिए प्रत्येक के लिए एक एक शुभंकर 2016 की वन रिपोर्ट में किया गया था। तो कौन से जिले को कौन सा शुभंकर यहाँ पे अलॉट हुआ है समझ जानकारी मैंने आपको इसमें दी है। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट पोर्शंस की। लेपर्ड सफारी राजस्थान के अंदर 3 जगह पर हाल ही में शुरू की कर दी गई है। सबसे पहले राजस्थान के अंदर लेपर्ड सफारी जालाना जयपुर में स्थित है, दूसरी जवाई पाली में स्थित है और तीसरी वापस से आमागढ़ जो कि जयपुर में स्थित है। और अभी हाल ही में जो लेपर्ड सफारी का प्रस्ताव है वो झुंझुनू में भी दे दिया गया है। तो जल्द ही यहाँ पे आपके सामने जो है चौथी जो लेपर्ड सफारी है झुंझुनू में शुरू कर दी जाएगी। लोयन सफारी की बात करें तो नाहरगढ़ बायोलॉजिकल पार्क जयपुर में स्थित है। एलिफेंट सफारी की बात करें तो आथीगाम जो कि जयपुर में स्थित है। टाइगर सफारी की बात करें तो पहली रणथंभौर सवाईमाधोपुर में है और अभी हाल ही में 2 जगह और प्रस्तावित किया है जो कि नाहरगढ़ और रामगढ़ विसधारी, यहाँ पर भी हाल ही में टाइगर सफारी स्टार्ट कर दी जाएगी। राजस्थान का नेचर पार्क झुंझुनू में है स्थित है जो कि लक्ष्मणगढ़ में हाल ही में शुरू किया गया है। केक्टस पार्क की बात करें तो कुलदरा जैसलमेर में स्थित है। बटरफ्लाई की बात करें तो बटरफ्लाई पार्क जो है राजस्थान के प्रथम कुलिस स्मृति वन जो कि जयपुर में स्थित है वहाँ पे शुरू किया गया। और दूसरा जो हमारे पास में उदयपुर ज़िले में शुरू किया गया मंकी वैली, राजस्थान की जो मंकी वैली है उससे जो है वो गलताजी में स्थित है। इकोलॉजी पार्क की बात करें तो ये लक्ष्मणगढ़ में है और वर्ड पार्क की बात करें उदयपुर में है। पर्यावरण पार्क की बात करें तो राजस्थान के पाली जिले सोजत में स्थित है। तो दोस्तों ये हमारे पास में कंप्लीट जो पर्यावरण अध्ययन से या फिर पर्यावरण जो विशेषांक है वहाँ से जितने भी करंट जीके के क्वेश्चन थे या फिर जितने भी स्टैटिक क्वेश्चन थे या फिर किसी ना किसी मुद्दे से वो चर्चा में रहे हैं समझ जानकारी मैंने आपको इस पार्ट 3 में दी। दोस्तों ये भी आपको कह दूं कि पार्ट नंबर 4 जो है जल्द आपके सामने पब्लिश इसी चैनल पे हो जाएगा। कंप्लीट आरबीडी पब्लिकेशंस की वार्षिकांक 2022-23 सितंबर तक आपको मिल जाएगी। आगामी जितने भी एग्जामिनेशंस है यहाँ से क्वेश्चन आपका बाहर नहीं जाएगा। काफ़ी बुक्स के करंट जीके को ऐड करते हुए मैंने ये वीडियोज़ बनाए हैं। आशा करता हूँ वीडियो आपको समझ में आ गया होगा।